राम राम भाइयों, आज मैं लिखा हूँ कि ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम टॉप नीश के बारे में बेस्ट यानी कि बेस्ट आर्टिकल कैसे लिखें, किस नीच के ऊपर लिखें, इसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल कई बार आजकल नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग इसी पे लेके आए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ताकि मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर सभी बंदों का गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाए, ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चलने से पहले यही बताऊंगा कि मैंने इस वीडियो में लो कंपटीशन जो बताए थे, फाइंड लो कंपटीशन, उसके अंदर अपना कैसे हम लोग काम करेंगे, तो इस चीज़ के बारे में मैंने बता रखा है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इस वीडियो पर क्लिक करके देखिए कैसे। और ये फिनांस के बारे में था, कैसे कंपटीटर को चेक किया जाता है जो फिनांस के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, उसके लिए आप देख सकते हैं। इसमें लो कंपटीशन बताया मैंने उसके अंदर, जो कि दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को सर्च करते हैं हम कीवर्ड, और जिसके अंदर हाई ट्रैफिक मिलता है जिससे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, तो उसके लिए भी आप आर्टिकल लिखे। आर्टिकल से याद आया, आर्टिकल फोर्ज मैंने ले रखा, उसके बारे में लिंक मैंने दे रखा है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा आरएफ को खरीदिए, आरएफ खरीदना ज़रूरी है, ये यहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो में आगे। तो यहाँ से आगे चलने से हैं, तो यहाँ पर पहली जो नीश आती है हमारी वेब सीरीज की आती है। वेब सीरीज का जो है कंपटीशन, मैं वही बताऊंगा जिसका कंपटीशन कम है, क्योंकि आजकल बंदों को ढूंढने में दिक्कत होती है कि हम किस पे काम करें, कौन सी नीश के ऊपर काम करें। तो वेब सीरीज जो है सबसे बेस्ट है, वेब सीरीज जो है ऐसे डालेंगे तो आपको वेब सीरीज आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, इस समय लॉकडाउन के अंदर फेमस हुई थी, तो उसके लिए आप काम करिए, उसके रिव्यू डालिए वेब सीरीज के बारे में, तो सारी चीज़ आपको मिलती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ वेब सीरीज के बारे में, जो भी इंडियन वाली हो सारी आपके पास आ जाएगी, इंडियन होगी, इंग्लिश होगी, तो वो चीज़। तो इस पे भी काम करिए, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चलेगी वेब सीरीज ऑनलाइन जितना भी आजकल चल रहा है ये है। और इसको कैसे एसईओ करना, एसईओ का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और रही बात आपको इसके बारे में कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं सीधा ही, जो आरएफ का ले रखा है मैंने, यहाँ से वेब सीरीज डालेंगे तो वेब सीरीज के बारे में सारी डिटेल आपके पास मिल जाएगी। सेकेंड चलते हैं हम लोग, दूसरी हमारी फिनांस की है। फिनांस की बहुत अच्छी है वेबसाइट जिसके अंदर फिनांस के बारे में आप काम करिए। फिनांस एक अच्छी नीश है जिसके आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया निकलेगा जिसका, ठीक है, जो उसके अंदर कंपटीशन अभी कम है, इतना मार्केट में होना चाहिए उससे कम है, तो ये इस पर आप काम करिए। अपने इसके अंदर जो जो काम करना है आप करना, शेयर मार्केट के ऊपर काम करिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे क्या लिखना है तो उस पर काम करिए, ठीक है। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट पर लिखिए, लोन पर लिखिए अपना, और इसके अलावा अपना क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखिए, एफिलिएटेड लिखिए, तो ये एफिलिएटेड से भी आपको इनकम होगी शेयर मार्केट से, और इसके अलावा एडसेंस से भी आपको इनकम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर और थर्ड आता है अपना इसका क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत चल रही है, जिस क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कैसे रहता है, अपना क्रिप्टो करेंसी पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से याद है, क्रिप्टो करेंसी पे मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कीवर्ड निकालने क्रिप्टो करेंसी के, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ से इजीली आप देख सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। क्रिप्टो करेंसी का है तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ से देख सकते हैं, सारी चीज़ के बारे में व्यू कर सकते हैं, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, कितना इस समय मार्केट में रेट चल रहा है, तो वो चीज़ है। और ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम करेगा बिल्कुल, इसके ऊपर काम करिए आप, बहुत कंपटीशन ना के बराबर ही है, कंपटीशन यहीं से चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, इजी है, बस यहाँ पर सीधा सिंपल डालना क्रिप्टो करेंसी और अपना उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। आई मैं दिखा रहा है इसके बारे में, तो यहाँ से हम वापसी चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फोर्थ है, फोर्थ आता है हमारा क्या कहते हैं न्यूज़ ब्लॉग का। न्यूज़ के ऊपर जैसे मल्टीपर्पज़ में आप काम करते हैं, न्यूज़ की साइट के लिए काम करिए सबसे बढ़िया रहेगा, जिसमें आपको मल्टीपर्पज़ में सारी चीज़ आपको मिल सकती है। तो उसके अंदर आप अपना हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में, अपना बायोग्राफी के बारे में, इसके अलावा फुल फॉर्म हो गया, इसके अलावा न्यूज जॉब्स की होगी, जॉब्स की साइड होगी, तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अपना फिफ्थ आता है, फिफ्थ आपको करना है सीधा ही जितना भी मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल जो होती है अपना उसके बारे में लिखिए। मोटिवेशनल जैसे किसी को सक्सेस के बारे में मोटिवेशनल थॉट है, सक्सेसफुल है तो उसके बारे में लिखे, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा ही इस समय डिमांड में रहता है कि सक्सेसफुल क्या है। जैसे इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप जाएंगे मोटिवेशनल, तो यहाँ पर डालेंगे मोटिवेशनल वीडियो, तो मोटिवेशनल के बारे में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, VATIOOAN, ठीक है। तो यहाँ से सीधा ही सर्च कीजिए हिंदी में, मैं हिंदी के बारे में बता रहा है कि हिंदी में भी कर सकते हैं, इसी को इंग्लिश में भी कर सकते हैं,
दोनों चीज़ के बारे में बताया, ये नहीं बता रहा कि मैं हिंदी हिंदी का। यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ जैसे डाला मोटिवेशन, आप 46 के हिसाब से मत चलिए, तो सीधा ही आपको यहाँ पर भी ऑल में करना है और आपको सारा कंपटीशन के बारे में वो दिखा देगा। ऐसे करना होता है, ऐसे सर्च करना है आपको, और यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको 20 से बिलो जितने भी हो उस पर काम करना है। ये देखिए जैसे 7 आ गया, मोटिवेशन ऐसे शायरी, ये हो गया स्टेटस हो गया, इसके बारे में इमेजेस हो गया, इसके बाद में तो ये चीज़ है, तो इनके बारे में लिखेंगे। इनका क्या है कि ट्रैफिक देखो कितना आ रहा है, कितना सर्च वैल्यू है, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम का पता लग जाता है हमारे को, और इससे हमें पता था कि हमारे उस पर कितनी जल्दी रैंक होगा और हमें जल्दी से गूगल एडसेंस का अप्रूवल जब मिल पाएगा जब हमारे को ऐसी चीज़ मिलेगी। जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई ना कोई इशू होगा, मतलब यानी कि कंपलसरी कर देगा गूगल कि इतना ट्रैफिक आना जरूरी है, उसके बाद ही एडसेंस अप्रूवल आपको मिलेगा। ठीक है, एडसेंस से याद है, अगर आपको एडसेंस में कोई दिक्कत आती है तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सारा लिंक है नीचे टेलीग्राम का, तो वहाँ पर आके ज्वाइन कीजिए, प्रॉब्लम बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं उसके बताने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको अगर ना क्रिएटिंग क्रिप्टो करेंसी हो गया हमारी 6 होगी, 6 के बाद याद आता है हमारे क्या कहते हैं अपना फुल फॉर्म, जो मैं भी आपको बताया था फुल फॉर्म के बारे में, फुल फॉर्म के बारे में लिखिए। फुल फॉर्म का जैसे कि ये हो गया फुल फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधे जाइए फुल फॉर्म रिव्यू, ये स्पेशल निश बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि उसके लिए फुल फॉर्म इन हिंदी, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म डाल दीजिए और यहाँ के साथ सीधा सर्च कीजिए, तो आपको सारी चीज़ उसके बारे में पता लग जाए, हिंदी इंग्लिश के सारे कीवर्ड जो भी देखें, MBBS के फुल फॉर्म क्या है, तो इंग्लिश में भी आप इसको करिए, OTT की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और ये चीज़ है, तो अगर आपके पास न्यूज़ की साइड में, न्यूज़ की वेबसाइट ऑलरेडी बता चुका, न्यूज़ की वेबसाइट में काम करता अच्छा आता है, ट्रैफिक बढ़िया मस्त आता है, जो मेरी realnewshub.com के नाम से है, आप जाके देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इजीली आपको सारी चीज़ उसके अंदर पता लगा, मल्टीपर्पज़ में मैंने बना रखी, वो ऑटो पे बना रखी है ऑटोमेटिक, और अभी मैंने करीब 5-6 और बंदों को भी दिला रखा ऑटोमेटिक में, तो हम वो भी करते हैं। ठीक है, वो भी अपना एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, कुछ कंटेंट लिखने पड़ते हैं, थोड़े रूल चेंज कर दिए, तो इसलिए कुछ कंटेंट उसका जरूर डाल लीजिए। उन्हीं भाइयों को कह रहा हूँ इनका एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पाया है ऑटो से, तो आप ऑटोमेटिक से नहीं मिल पा रहा, तो आप उसमें कुछ कंटेंट डालिए, मैं जो आपको कीवर्ड्स बता रहा, जो आपको ये बताना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके ऊपर ही काम करिए, और मुझे बता देना किस निश पे आप काम करते हैं, मैं उसी के लिए आपको कीवर्ड्स निकाल के ढूंढ के आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं 10 बताना टॉप 10 की, तो अभी मैं खास खास बताई, मैंने आपको 7 हो चुकी है, 7 के बाद अपना करते हैं हम लोग क्या कहते हैं इसके अलावा हमारा मूवी रिव्यू, मूवी रिव्यू पे लिखिए आप, मूवी रिव्यू का आपको बताइए, मूवी रिव्यू पे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पर कितना कंपटीशन का, मैं तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, OTT इन सब पे काम करिए। मूवी रिव्यू पे जाएंगे तो सीधा ही आप यहाँ पर डालिए मूवी रिव्यू, तो आपको मूवी रिव्यू के बारे में सारी बन जाएगा। मैं मेरी एक साइट है मूवी रिव्यू के बारे में, मैंने डाउनलोड के बारे में बात नहीं करा, मूवी रिव्यू डाउनलोड पे नहीं करें तो बहुत बेस्ट रहेगा, मूवी रिव्यू की साइट है जिसपे ऐसे करके क्लिक कर अपना देखिए और उसके बाद अपना काम करिए। इसीलिए मेरे को पसंद आती है कि अपना न्यूज़ की जो सब फेवरेट है सबसे ज़्यादा, तो उसे मल्टीपर्पज़ में मैं काम कर लेता हूँ, सारी चीज़ उसमें जॉब्स की भी आते थे, ये सारी चीज़ होती है। ठीक है, ये हो गया हमारी 8, मूवी रिव्यू पे काम करिए, उसको हिंदी में काम करिए, मूवी रिव्यू इन हिंदी, तो अच्छा बिल्कुल सबसे बहुत बढ़िया ट्रैफिक मिलेगा आपको, ये तो न्यूज़ की साइड है तो बिल्कुल आपको बेहतरीन मिलेगा सारी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये है अपना, और अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसके बाद आता हमारा सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी के बारे में लिखिए, जैसे किसी की सक्सेस स्टोरी है, जैसे कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के हैं और अपना टेबल टेनिस के हो गए, शतरंज के हो गए, मार्शल आर्ट के हो गए, डांस में हो गए, तो मतलब ये सब जो अपने इनका सक्सेस होता है, कैसे कैसे इन्होंने करा, कितने जो करोड़पति है अंबानी हो गए या फिर टाटा अंबानी, तो कई जने ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो उनकी बैकग्राउंड की सक्सेस के हर कोई देखना चाहता है, तो यहाँ पर इसीलिए भी आप डाल सकते हैं इसमें सक्सेस स्टोरी, यहाँ सर्च करोगे तो यहाँ इजीली आपको मिल जाएगा सक्सेस स्टोरी के बारे में, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना कंपटीशन है इसके बारे में। देखो सक्सेस स्टोरीज ऐसे करके आपको लिखना है सक्सेस स्टोरीज, और इसको ऐसे क्लिक कर देना, और इसके बाद आपको सारी चीज़ के बारे में मिल जाएगा। यहाँ पर अभी कंपटीशन नहीं है इसलिए मैं आपको बताना था कि खास खास बंदों की, जैसे कि आपने धीरू भाई अंबानी की या किसी की अंबानी सक्सेस स्टोरी, तो ऐसे जितने भी रिसेंटली स्पोर्ट्स वाले हैं उनके लिए भी आप लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए लिखिए,
जो अभी स्पोर्ट्स जीत के आए बाहर से, अपना गोल्ड जीत के आए, ये सब, तो ऐसे सब चीज़ आप लिखते रहिए, ठीक है। अभी तो इस पर शो नहीं कर रहा, ठीक है, शायद मैंने गलत स्पेलिंग लिखी हो, कोई नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपना लास्ट तो नहीं है, लेकिन बस इतना कहूँगा कि आप अपना सरकारी योजना पे काम करिए। सरकारी योजना का बहुत बेहतरीन है इस समय, सरकारी योजना हो गई जिसके अंदर आपको सारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में लिखिए, उनके बारे में देखिए कैसे क्या है, ठीक है। और अपना आता है नेक्स्ट जॉब वेबसाइट, जॉब की वेबसाइट पे भी काम करिए। जॉब की वेबसाइट पे देखिए, जैसे कंपटीशन में दिखाया था आपकी, जॉब्स की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब जल्द से जल्द आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी, आपको उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे कि अपना देखते हैं SSC, देखे SSC, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया तो SSC के बारे में दिखाएगा सारी चीज़ के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं SSC के बारे में, तो SSC की जॉब्स के बारे में, SSC के ऊपर लिखिए, UPSC के बारे में लिखिए, SSC GD क्या है, देखो कितना सारा ट्रैफिक है इसके, मिलियन में आ रहा है पूरा 325.22, तो यहाँ CPC में मत जाइए, खाली इतना देखिए ट्रैफिक कितना, इससे क्या है ना आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में कोई इशू नहीं होगा। मेरी सबसे पहले वेबसाइट थी जॉब्स की, जो आज भी चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि उसको सबसे पहले मैंने इसी से लिया था, और ब्लॉगर से ही मैं आया था, ब्लॉग स्पोर्ट्स में मैंने बनाया था, वहाँ से लिया था, और अपनी जॉब की साइट पे ही पहले मैंने अप्रूवल लिया था एडसेंस का, उसके बाद कई एडसेंस अप्रूवल मिले, लेकिन ये खास मिला था, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे भी ये आ रखी है, SSC 2021 आ गया, ये फिर ये हो गया, SSC फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर देखो कितना सारा है ना, बहुत ईजी है। आप UPSC भी डालिए, UPSC का भी ऐसे आएगा, और इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट हो जाती है वैसे तो बहुत सारी है, वैसे तो फिर भी मैंने खास का छाट के मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो लास्ट बट नॉट लिस्ट यही है कि अपना जो आपका फेवरेट है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर लिखिए अपना अपना जितना भी है, अपना ब्लॉग अपना कंटेंट है उस पर लिखिए जो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन जितना हो सकता है सर्चेबल वाला लिखिए, सर्चेबल सही रहेगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा उसके समझ में भी आएगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, तो तब आपको ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें आपको पता है कि कैसे काम करना है कैसे नहीं, तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा दिमाग रहेगा कि हाँ मेरे को आगे, जैसे मान लीजिए आपका इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, मतलब सिविल इंजीनियर के बारे में लिखिए। और एक और चीज़ कहूँगा कि अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाइए, यूट्यूब चैनल से आपको वहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, तो ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलेगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीके मैंने उसमें बहुत दे रखे हैं कि आप भाई कैसे कैसे बनाने हैं, आपको अपना ब्लॉग कैसे तैयार करना है। और रही बात ब्लॉग स्पॉट पे, तो बहुत ईजी है, सब भी बना लेते हैं ब्लॉग स्पॉट पे। इसके अलावा एक और भी है, FD म्यूचुअल फंड भी है, FD म्यूचुअल फंड पे भी आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर काम करिए FD म्यूचुअल फंड के अंदर। इसके अलावा जो भी फार्मिंग है, गार्डनिंग है, ये अपना पेड़ पौधे लगाते हैं सारे, इनके बारे में भी लिखिए, ये भी टॉप बेस्ट डिश है। और रही बस लास्ट है, जो अपना ऑटोमेटिक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक अभी गाड़ियाँ आ रही है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चलेगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बारे में, उसके बारे में लिखिए, उसका बहुत क्रेज रहेगा आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।